Realme 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 Much awaited Realme 12 Pro Plus 5G आ गया है जिन लोगों को नहीं पता बता दो Realme की जो नंबर सीरीज है बहुत ही स्पेशली 12 Pro Plus में क्या नया है क्या खास है क्या अपग्रेड है तो भाई I am very excited, फ़ड़ से लेते हैं। टिपिकल से Realme बॉक्स है इस बार भाई आपको एक नया लेंस मिलता है एक्साइटेड हूँ कैसे निकल के आता है इसका कोई काम नहीं है फैमिली पीछे मेक इट रियल भाई इसके अंदर क्या है oh ho, क्या बात है हमारा ये ऊ यंत्र कुछ सेफ्टी एंड क्विक गाइड है और ये रहा असली माल और ये देखो भाई खूबसूरती सच बताओ तो भाई कुछ गिने चुने फोन ही है जिनके डिजाइन को देख के मुंह से एक ही वर्ड निकलता भाई वाह क्या कारीगरी है खैर अभी बात करेंगे इस फोन के बारे में डिटेल में पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या है तो ये है हमारे पास ये चार्जर सिक्सटी सेवन का सुपर वो चार्जर है और क्या है भाई ओके ये केबल है टाइप ए टू टाइप सी केबल है ये जो लेंथ है भाई ठीक है लेंथ हा हा भाई हवा खा सकते हो ठंडी ठंडी से एंड इसके अंदर ये टीपी आपको केस मिलता है क्वालिटी है ठीक है डीसेंसी क्वालिटी है ये सारी चीजों को साइड में रखते हैं चलो बात करते हैं रियलमी 12 Pro Plus 5G के बारे में अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूँ वाओ भाई जबरदस्त डिजाइन है इसका बहुत ही प्रीमियम लगता है देखो डिजाइन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है किसी को ये डिजाइन पसंद आ सकता है किसी को नहीं पर अगर मैं अपनी बात करूँ भाई मुझे देखने में ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है ये जो बैक है ये वीगन लेदर बैक है और यहाँ पे बीच से स्ट्रिप निकाल दी है गोल्डन कलर का और ये जो कैमरा कटआउट है ये रोलेक्स इंस्पायर है तो रोलेक्स की घड़ी की तरह लग रहा है अब यार रोलेक्स वॉच तो ले नहीं सकते है ना लेकिन ये फोन लेकर तो चमका सकते हैं और एक और चीज यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर दे रखा है ये काफी ज्यादा शाइन करता है लास्ट ईयर में इन्होंने वीगन लेदर डिजाइन यूज

200Hz रिफ्रेश रेट एंड 240Hz द सैंपलिंग रेट के साथ डिस्प्ले में एचडी 10 प्लस है वाइड 11 सर्टिफिकेशन है इसमें लास्ट ईयर भी Realme 11 Pro Plus में सेम स्क्रीन साइज था सेम डिस्प्ले क्वालिटी था उसमें कर्व था एंड ये देखो भाई ये भी कर्व है साइड से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है कलर्स आपको ब्यूटीफुल देखने को मिलते हैं क्या

ओ भाई वैसे कुछ हुआ तो नहीं स्क्रेचेस आए नहीं स्क्रेचेस नहीं आए वैसे इसमें स्क्रीन गार्ड है वै, वै, वै। आहा। इसका एक बार अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते भाई ये भी फास्ट है बढ़िया तरीके से काम कर रहा है देखो सेटिंग में जाके फिंगरप्रिंट एनिमेशन से यहाँ पे आप जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है वो चेंज वगैरह कर सकते हो तीन वेरिएंट में ये फोन मिल रहा है आठ जी एक सौ अठाईस जीबी आठ जीबी दो सौ छप्पन जीबी और बारह जीबी दो सौ छप्पन जीबी एक बार भाई रीड राइड स्पीड इसका टेस्ट करके देखते हैं स्टोरेज टेस्ट किया वैसे इसमें यू एफ फोर पॉइंट वो स्टोरेज टाइप है रीड स्पीड अच्छी नीचे सत्रह सो एमबीपीएस की आपको रीड स्पीड मिली और पंद्रह सौ एमबीपीएस की आपको राइट स्पीड मिली तो काफी अच्छी है सॉलिड है डेटा डेटा कॉपी करोगे री राइट करोगे भाई बहुत अच्छी स्पीड मिलने वाली आपको एक बार इसका मल्टी टास्क भी चेक कर लेते हैं भाई सारे सारा को मैं क्लोज कर देता हूँ ये एप्स को क्लोज किया क्या बात है काफी स्मूथ एनिमेशन है अगर देखोगे और एप्स जो है वो देखो फास्ट लोड हो रहा क्रोम जैसे हैवी एप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो फास्ट खुल रहा है देखो कैमरा कैमरा थोड़ा सा सेकंड ले, ले रहा है ठीक है बट भाई स्मूथ है मतलब एप से ओपन करते हो स्विच करते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी स्मूथ फील है भाई नीचे में ये सिम स्लॉट दे रखा है तो ये डुअल सिम कार्ड है एसडी कार्ड नहीं है बाकी ये माइक है टाइप सी है और ये स्पीकर है ये स्टीरियो स्पीकर है भाई राइट हैंड साइड में ये गोल्डन कलर का बटन दे रखा है ये पावर बटन है ये वॉल्यूम बटन है ऊपर की साइड में भाई नॉइज कैंसिलेशन है आयर ब्लास्टर नहीं है और लेफ्ट साइड भाई बिल्कुल क्लीन है स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम का बहुत वायरल गाना बजाते हैं भाई हमारे पास तो ना ही मनी है ना ही हनी है बेकार है भैया मैं तो टूट गया भाई स्पीकर साउंड क्वालिटी लाउड है कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो भाई ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड कैमरा सेटअप काफी कूल लगता है देखने में पचास मेगा का मेन कैमरा है सोनी आई सेंसर के साथ ओ आई एस सिक्सटी का पेरिस्कोप कैमरा है विद सेंसर और एट मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है hey भगवान फाइनली भाई दो मेगा पिक्सल से पीछा छूटा आई होप आगे किसी फोन में दो मेगा पिक्सल कैमरा देखने को ना मिले एंड बत्तीस मेगा की सेल्फी है और ये भी सोनी आए एक्स सिक्स वन फाइव

पहले टेस्ट करते हैं तो अब कैमरा ओपन करते भाई आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर ये देखो पॉइंट है वन एक्स है टू एक्स है थ्री एक्स है और ये सिक्स एक्स है मतलब पांच टोटल मोड मिल जाते हैं पोर्ट्रेट में जाते भाई दो मोड मिलते हैं वन एक्स और थ्री एक्स एक अल्ट्रा वाइड एंगल देखते भाई अरे देखिए वन एक्स टू एक्स ओ भाई चले जाते हैं थ्री एक्स थ्री एक्स में काफी डिटेल्स दे रहा है वो भी बढ़िया दिया है और फोटो अच्छी निकल के आई है इंडो लाइटिंग कंडीशन में कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओहो सेल्फी तो काफी वाइड लग रही है पॉइंट एट है और ये वन एक्स है और भाई सेल्फी भी अच्छी निकल के आई है नाइस ये तो लाइव टेस्ट था आप लोगों के सामने इसके अलावा ऑफ द कैमरा भी इस फोन के कैमरे को मैंने डिटेल में टेस्ट किया स्पेशली मैं जब

को मिल जाती है भाई हाँ थोड़े से सैचुरेटेड लगेंगे बड़ा कभी-कभी वो -कभी जो सैचुरेटेड सैंपल से होता है ना यही ज्यादा देखने में बेटर लगते हैं बाकी जो स्टेबलाइजेशन है ओआईएस प्लस ईआईएस होने की वजह से आपको अच्छी देखने को मिल जाती है तो हाँ अच्छी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी अब बात करते हैं पी रो गेम प्ले की भाई इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 चिप देखने को मिलता है ये एक 4nm वाला प्रोसेसर है नो डाउट काफी पावर एफिशिएंट है प्रोसेसर को रियलमी 11 प्रो प्लस से कंपेयर करते हो लास्ट ईयर था मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 तो उसके कंप

अरे मैं तो मजाक कर रहा था और दबा दिया इसने तो बढ़िया भाई स्मूथ गेम प्ले आप कर सकते हो ऐसा कोई लैग नहीं है कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है एक बार जायरो ऑन करते हैं भाई ये सेंसिटिविटी में गए ओके जायरो ऑप्शन है इसको ऑलवेज ऑन रखते हैं रिस्पॉन्स लाइक राइट मूव राइट आ रहा है लेफ्ट लेफ्ट ऊपर नीचे भाई। ठीक है भाई जितना भी हमने इसको टेस्ट किया है ऑन द कैमरा या ऑफ द कैमरा भाई परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया हाँ जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है भाई इस प्राइस पॉइंट पे एकदम टॉप लेवल की परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कहूंगा इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन मार्केट में है लेकिन स्टिल ये जो परफॉर्मस

50 टू 100 परसेंट थर्टी मिनट में और 0 टू 100 परसेंट फिफ्टी मिनट में चार्ज हो जाता है भाई चार्जिंग हमें बहुत ही फास्ट लगा रियलमी ने फोर्टी मिनट का था तो अप्रोक्सिमेट उसी के आसपास फिफ्टी थ्री मिनट में भाई तीन चार मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है इसमें हमने बैटरी डेंट टेस्ट भी किया था करीब थर्टी मिनट की हमने इसमें गेमिंग किया था बीजेम तो करीब हमें सात का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं आप कितने देर तक कंटिन्यूसली गेम खेल सकते हो बाकी अदर फीचर्स की बात करो एन एफ सपोर्ट नहीं है डुअल बैंड वाई सपोर्ट है फाइव का सपोर्ट है आईपी वाटर फाइव रजिस्टेंट है अगर सेटिंग में जाके भाई तो रियलमी यू आई है लेटेस्ट और ये भी है भाई एंड्रॉइड 14 पे। मैं की बात करूँ तो यस प्री इंस्टॉल एप्स है कम्प्लीट रियलमी ट्वेल्व प्रो प्लस जी अभी जब मैं वीडियो शूट करूँ तो मुझे प्राइस नहीं पता है बट जहां तक तो मुझे लगता है लगाऊं तो ये फोन है आपको अंडर थर्टी थाउजेंड में देखने को मिलेगा मतलब शायद ट्रिपल लाइन में या फिर ट्वेंटी ट्रिपल लाइन में जितना भी हमने इस फोन को टेस्ट किया भाई दो तीन चीजें मुझे बहुत ही कमाल की लगी सबसे पहले तो भाई इसका डिजाइन लुक वा मतलब फोन देखने में कंपटीशन के हिसाब से काफी डिफरेंट लगता है एक प्रीमियम सा लग्जरी लुक देता है आपको दूसरा जो कैमरा है भाई कैमरा काफी इंप्रूव लगा अगर मैं लास्ट से कंपेयर करता हूँ हाँ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है रियलमी नंबर सीरीज में इस बार जो कैमरा है वो मुझे बहुत पसंद आया स्पेशली जो पेरिस्कोप लेंस है भाई एक और चीज भाई इस बार की जो सेल्फी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है लास्ट के, के कम्पेरिजन में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ येस परफॉर्मेंस इज गुड भाई ओवरऑल मुझे फोन सॉलिड लगा बस एक सॉलिड प्राइस पे आ जाए तो ये फोन किन लोग भाई जिनकी प्रायोरिटी डिजाइन